अब आ रही है अब आ आवाज है, बताओ 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 हाँ जी अब आ रही है क्या आवाज तस्री तो फील जाती है टेक्निकल इश्यू अगर कुछ हो जाए ना सारा, सारा का सारा मूड का खत्म हो जाता है नहीं करें फिर शुरू बहुत बच्चे चले गए होंगे नहीं बहुत बच्चे चले गए होंगे दोबारा बोलना पड़ेगा हम्म शेरशाह में जत्रा में कमांडो में हम्म चलो जी सो शुड बी स्टार्ट द सेशन अरे हाउस द जोश हाउस द जोश बोला फिटाफट है करें कहा है बाकी बच्चे टेक्नि टेक्निकल ग्लिच से मुझे पता है दिक्कत होती है लेकिन भाई कहा है सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन वी आर स्टार्टिंग द सेशन बेसिकली है क्या बच्चे ये मैंने रखी है मई मंथ की करंट अफेयर ठीक है कि मई में जितने भी वो आए ना अपने करंट इश्यूज आए उसकी एक इकट्ठी क्लास ले रहा हूं मतलब हो सकता है एक पार्ट में ना हो ये दो पार्ट में हो जाए बिकॉज उसका रीजन ये है कि बहुत ही बड़ा हो सकता है ठीक है तो कोशिश रहेगी इसको जल्दी जल्दी ए, कवर करने की फास्ट फास्ट कवर करने की ठीक है हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी लगाना पड़ जाए अपने को ठीक है तो जिस बच्चे ने रेगुलर न्यूज पेपर वाली क्लास अटेंड नहीं करी है ये स्पेसिफिकली उस बच्चे के लिए है जिसको रिवाइज करना है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ सुमित पे जैसे क्लास खत्म होगी क्लास खत्म होने के बाद लर्न विद सुमित पे इसकी टेलीग्र वो हम पीडीएफ डाल देंगे और कुछ और कुछ को दिक्कत को परेशानी और बताओ हाँ पीडीएफ डी डल जाएगी पीडीएफ की टेंशन मतलब सारी पीडीएफ मिलती है आपको ये भी मिलेगी क्या टेंशन ले रहे हो उस चीज के बिल्कुल टेंशन मतलब ठीक है चले जी तो स्टार्ट करते हैं नोट नहीं करना आपको ना नोट नहीं करना है आपको बिकॉज करंट अफेयर इज लाइक अनलिमिटेड कितना नोट करोगे नोट करते ही रह जाओगे बिल्कुल नोट नहीं करना है आपको ठीक है जी मतलब ये मेरी सजेशन है बाकी आपका दिल इच्छा है तो जी हम कुछ नहीं कर सकते मैंने अपनी सजेशन मैंने बताई है ठीक है इसके अलावा आज शाम को छह बजे सिक्स पी आज टेस्ट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा तो मेरी प्रोफाइल में ये एक छोटी सी वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा उस पर या फिर जैसे भी आपका दिलो मिल जाएगा लिंक उसका ठीक है भाई चलो अन अकेडमी पे टेस्ट हो फ्री टेस्ट है चलो जी फटाफट करते हैं हाँ जी इंडिया रशिया टू प्लस टू डायलॉग ये टू प्लस टू का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो मुझे ये टू प्लस टू क्या होता है मतलब और क्या हमें किसी और कंट्री के साथ स्टार्ट कर चुके हैं पहले जल्दी बताओ फटाफट बता। देखो जी टू प्लस टू का बच्चे सीधा सीधा मतलब है कि ये डिफेंस प्लस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये दोनों हमारे कंट्री के और किसी और, किसी और कंट्री के मिलेंगे अब देखो दूसरे कंट्री से डील करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यही है बट डिफेंस बिकॉज हम इन लोगों के साथ डिफेंस डिफेंस में बहुत डील करते हैं दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना तो भाई ये टू प्लस टू चार लिखने वाले को जनता माफ नहीं करेगी बता रहा हूं ठीक है भाई, तो ये ये सीन होता है, plus, External Affairs Minister, ये हमने हमने करा करा था था सबसे पहला हमने स्टार्ट करा था बच्चे जापान के साथ फिर हमने करा यूएसए के साथ नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रशिया तो क्वेश्चन कैसे आ सकते पेपर में विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वी आर नॉट हेल्डिंग टू प्लस टू डायलॉग क्लियर है की नोटिफिकेशन आते इकतला कर दिया जाएगा आज आपको दो वीडियोस मिलेंगे बच्चे नोटिफिकेशन नेवी में ठीक है चलो हाँ जी तो इसके बारे में जो जो चीजें मैंने लिख दी है क्या क्या है लेकिन बेसिक मतलब मैंने बता दिया डिफेंस मिनिस्टर फॉरन मिनिस्टर जापान अच्छा हाँ ओके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू करा था हमने सॉरी भूल गया था क्वाड कंट्रीज क्वाड कंट्रीज के साथ हमने मामला शुरू कर दिया था टू प्लस टू डायलॉग ठीक है और रशिया भी तो पेपर में बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन बन गया किसके साथ हम करते हैं किसके साथ नहीं करते है। ठीक है चलो जी बेहतरीन रशिया के साथ अपने पुराने वो रहे हैं रशिया के साथ अपने पुराने रिश्ते रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में इसके अलावा स्पूतनिक फाइव बहुत कुछ रशिया हमारा अपना पुराना दोस्त बोला जाता है आज के टाइम पे हम उसके दुश्मन को दोस्त बना रहे हैं रशिया हमसे थोड़ा सा दूर हो रहा है वरना ओवरऑल रशिया के साथ अपनी बहुत सारी कोलेब्रेशन है चलो जी ये मैंने बताया ना क्वाड वाला क्वाड कंट्री शुरू करें क्वाड में चार कंट्रीज बच्चे हैं बताया ना मैंने चार कंट्रीज क्वाड में यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया ठीक है एक्सरसाइज मालावार एक पहले तीन करती थी यूएसए जापान इंडिया अब इसको ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड करके इसको क्वाड एक्सरसाइज के रूप में बदल देंगे हां जी नवंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बच्चे आपको अप्रैल से सितंबर तक के करंट अफेयर्स करने होंगे ठीक है मिनिमम मिनिमम ये आपने कभी ना कभी देखो पेपर देखो न्यूज तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन हमें बहुत छोटी छोटी चीजें ही उसमें से निकालनी होती है करन रिबल्स पेपर में आ सकता है करन रिबल्स वर इन न्यूज दे बिलोंग्स टू विच कंट्री तो भाई साहब म्यांमार में भी तशरीफ ही हुई है पूरे के पूरे सिस्टम की आपको पता होगा पता होगा आपको ठीक है तो उसमें करंट आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए दे आर द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ म्यांमार एंड करेन नेशनल यूनियन भी फॉर्म कर रखी है तो करेन किस चीज से इस बार आपने देखा होगा पेपर में प्रश्न आया था कि कौन से कौन से कंट्री में इमरजेंसी वाला सीन है तो वो इधर म्यांमार में था तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं महाराष्ट्र डे महाराष्ट्र डे 1960 में एक मई 1960 में महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी मैं बताता हूँ पूरी कहानी क्या है लेकिन आपको एक मई इज महाराष्ट्र डे आपको यह याद रखना है ठीक है आज मैप्स की क्लासेज है बच्चे तनुज वामदेव आज अन अकेडमी प्लस पे मैप की क्लासेज है जो जैतरा रोड अन बैच की कंबाइन है ना वहां पे आज क्लासेस है बच्चे मैप की क्लासेस है ठीक है हां जी सुनो जब 1956 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था बच्चे 1956 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सॉरी इसका पूरा नाम था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसके तहत हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी थी इन 14 स्टेट में एक स्टेट था जिसका नाम था बॉम्बे ठीक है जिसमें आज के टाइम का दिखाता हूं मैं ये देखो ये था बॉम्बे स्टेट बच्चे जिसमें गुजरात प्लस मध्य प्रदेश दोनों था ये देखो ये गुजरात प्लस मध्य प्रदेश दोनों था गुजरात प्लस मध्य प्रदेश दोनों था तो फिर 1960 में एक मई को ये तोड़ के दो स्टेट में डिवाइड हो गया एक बन गया महाराष्ट्र और एक बन गया गुजरात क्लियर होगी बात क्लियर होगी बात स स अतुल कुमार पूछ रहे हैं सर सर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी रहती है भाई सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी की है बच्चे फिर हिस्ट्री की फिर पॉलिटी की पॉलिटी करंट अफेयर करंट अफेयर के ज्यादा हो जाते कभी क्लियर है शेर शाह में आज शायद मेरी क्लासेस नहीं होंगी मैं देख लेता हूँ स्केड्यूल में संडे है ना आज तो संडे में जो बाकी प्लस पे जो मेरी क्लासेस हो रही है वो पुरानी रीस्केड्यूल्ड क्लासेस हो रही है बच्चों को जो पुरानी क्लासेस है ना जन वो हो रही है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हाँ आज सिर्फ मैप्स ही क्लास है दो दो क्लासेस मैप की राइट right है हाँ जी हाँ जी चलो जी क्लियर मामला आगे चलते रशिया ने कोविड नाइनटीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स पहली बनाई इसका आपको नाम पता होना चाहिए बस कार्निकोवैक कार्निकोवैक किस पर टेस्ट किस कंट्री ने बनाई रशिया ने बनाई कौन से एनिमल पर टेस्ट करेगी डॉग पे टेस्ट करेगी क्लियर होगी बात एम आई क्लियर एम आई क्लियर चलो जी दीपक पूछ रहा है टेस्ट कौन से चैप्टर का है जो हिस्ट्री का है बच्चे जो छह बजे टेस्ट है बच्चों टेस्ट है का आज में नॉर्मल रिवोल्ट भी आ जाएंगे जो पंजाब बेंगोल और ट्रेबल रिवोल्ट है इसके अलावा 1857 का रिवोल्ट भी आ जाएगा बच्चे दोनों मिला के है वो। उसका लिंक मैं देखो दो तरीके उसके लिंक लेने के बच्चे दो तरीके है उसके लिंक लेने के मैं टेलीग्राम में डालूंगा लर्न विद सुमित में और वैसे जो अपने बैच वाले है ना उसमें भी डाल दू वरना वरना कुछ नहीं आपको अन अकेडमी पे जाना है एक बंदे का नाम सर्च करना जिसका नाम है सुमित कुमार कहा गया एक बंदा सर्च करना है जिसका नाम है सुमित कुमार ठीक है वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी वीडियो इसके लिए बना दूंगा मैं ठीक है तो यहां पे जाओगे ना ये देखो बैचेज स्पेशल क्लासेज में जाके इसमें दिख रहा होगा ये देखो ये देखो बच्चे दिख रहे ठीक है तो आप यहां पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हो या नोटिफाई भी कर सकते हो ठीक है वरना एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा अपने चैनल पे दोपहर में डाल दूंगा जिसमें ये होगा ठीक है चलो जी ओके हाँ जी कुत्ते वाला सीन मैंने बता दिया आपको ठीक है चलो जी कारोबैक बहुत बढ़िया ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट अरे एक बात बता दो मुझे इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है क्या हो गया क्या चार हो गया चार क्या हो गई सिद्धू चार क्या हो गई हाँ जी देखो अब दो है एक है बच्चे फॉरेस्ट कवर एक है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट आता है बच्चे एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मुझे देखना पड़ेगा उसके एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं है मैं देखता है एक हाँ यह है चौबीस पॉइंट छप्पन परसेंट ठीक है आइडियली होना कितना चाहिए आइडियली बोलता है कि हर कंट्री का वन थर्ड जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए स्टैंडर्ड बोलते हैं लेकिन इंडिया का फिलहाल इतना है ठीक है इस ग्लोबल रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया को अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की जरूरत है फलाना डेम करना आपको इसमें से आपको क्या याद रखनी है एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ठीक है नहीं ये शायद अपना होगा ठीक है तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है आपको ये पता होना चाहिए ठीक है अब हमने क्या बोला फॉरेस्ट वैसे तो बढ़ नहीं रहा था तो हमने बोला देखो जो ट्री है वो भी तो फॉरेस्ट का पार्ट है जब फॉरेस्ट में ट्री होते हैं तो मानते ना आप उसको तो जो अपने सड़कों पर ट्री है उसको भी हम मानेंगे पार्ट इसका तो हमने बोला ट्री को भी हम ऐड करेंगे तो हमने ट्री को ऐड कर दिया तो फॉरेस्ट ट्री बनेंगे चौबीस पॉइंट छप्पन कुछ तो ऐड हुआ अपना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में बच्चे मध्य प्रदेश में एरिया वाइज सबसे ज्यादा है और मिजोरम में परसेंटेज वाइज 85 परसेंट जो एरिया मध्य प्रदेश का वो फॉरेस्टी है और बताओ तन में एक साल इसका पीडीएफ मैं डाल दूं बच्चे अपने लर्न विथ सुमित टेलीग्राम चैनल पे क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सबको क्या मेरी बात क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसे स्टैटिक पोर्शन भी निकालने होते बच्चे ठीक है इन्होंने बातें तो बहुत बोली है दिखाता हूं चल छोड़ो फोर हंड्रेड प्रकाश पर गुरु तेग बहादुर सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह कौन से गुरु थे सिखों के कौन से गुरु थे जल्दी बताओ बच्चे कहने सर शेरशाह वाले कैसे देंगे हिस्ट्री का टेस्ट बच्चे मैं तो मैंने तो पढ़ाया है तो जिसने मुझसे पढ़ी बच्चा वो टेस्ट दे ले उसका ठीक है चलो नाइन्थ गुरु थे बच्चे नाइन्थ गुरु थे गुरु तेग बहादुर ये वो गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मनसबदारी ऑफर करी थी मेरी जान मनसबदारी जिनको जिन ऑपर करी गई थी गुरु तेग बहादुर जी क्लियर मामला हम्म बढ़िया मनसबदारी सिस्टम औरंगजेब ने ऑपर करी थी औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था चांदनी चौक में वहीं पे आज शीशगंज गुरुद्वारा भी है सर आप धनबाद तक पहुंच चुके अतुल कुमार थैंक यू बच्चे तो यही सब बातें थी बच्चे स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी है जिसने वर्ल्ड की लार्जेस्ट एरोप्लेन टेस्ट करी इसका नाम था रोक आर ओ सी रॉक कंपनी का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च बस इतनी बात याद रख लो इससे और कुछ नहीं सर आपसे कहा मिल सकते हैं

कोई नोट्स नहीं बनाना है बच्चे पीडीएफ मिल जाएगी आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है चलो जी लैग बी बी ओ मेर इंपोर्टेंट नहीं है मैंने बस डाला हुआ इंप, इंपोर्टेंट नहीं है इतना ना ज्यूज का फेस्टिवल है दैट बच्चे यूएसए पुट्स इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ई का मतलब होता है अब देखो इंडिया कितना ही भरोसे वाला आदमी है इस चीज में इंडिया बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पता है आपको इंडिया बोला जाता है फार्मेसी ऑफ़ द वर्ल्ड बोलो 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 तो साइल टेस्ट बच्चे कोई दिक्कत नहीं है यस हम क्या करते हैं अपना मस्त काम है जैसे हम नई नई इन्वेंशन नहीं करेंगे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं बहुत ही फेमस है ठीक है किसी कंट्री ने बनाई कोई दवाई जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बस मई तो फार्मेसी वाला ना है दवाई बनाई ये दवाई बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है तो हम क्या करेंगे इसका हम रिवर्स देख लेंगे कैसे 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 बनी है और उसकी उसकी कॉपी बना बना के बेच देंगे ठीक है अब इससे दिक्कत किसको हो जाती है दिक्कत होती जाती है जो इसका इन्वेंटर था उसको देख रहे हो देख रहे हो तो ये दिक्कत हो जाती है तो यूएस से यही दिक्कत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिस्पेक्ट नहीं करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की इंडिया रिस्पेक्ट नहीं करते इसलिए उसने इंडिया को वॉच लिस्ट पर रख दिया फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ठीक है ये था अरे कितना टेढ़ा है अर्थ का कितना टेढ़ा है अर्थ का पता ही होगा ये तो आपको अरे ये बात तो पता ही होगी या नहीं पता है बोलो हाँ जी बहुत ही बढ़िया इसकी एक्सिस थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है बच्चे हम्म और किसका है हाँ जी दवाइया भी पेटेंट होती है बच्चे सर अर्जेंट है जीत की मुबारक हो हाँ जी यूरेनस का तो 90 डिग्री से टेढ़ा है मार्च शर्ट चौबीस पर चौबीस डिग्री से टेढ़ा है ठीक है तो इसका ये शिफ्ट ये थोड़ा सा जो टेढ़ापन जो है इसका थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है बेसिकली मतलब थोड़ी इसकी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको इतनी पता होनी चाहिए टेढ़ा है पर मेरा है टाइप्स में यार अब ये वहां पे क्यों आ रहा है मैं अच्छा खासा साइड में खड़ा हुआ था वो जो यहाँ पे चाहिए वो ये कैसे होगा हाँ, आ गया चलो दीवार को सारा लाके खड़ा होता हूं ना मैं टर्टल्स टर्टल्स बच्चे वेरी फेमस उड़ीसा के मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाया एंड ऋषिकालिया रिवर में मिलते हैं इस बार नहीं आए थे बाद में लेट आए हैं तो थोड़ा सा न्यूज बना इंपोर्टेंट वो नहीं है इंपोर्टेंट ये है कि ओल्ड पे टर्टल पे मिलते हैं उड़ीसा में ऋषिकालिया एंड गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहिर मठ बर्ड सेंचुरी बेसिकली ठीक है ठीक है ये आते हैं लाखों की तादाद में आते हैं यहाँ पर आते हैं इस 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 एरिया में आते हैं अपना मस्त एग लेंग करते हैं और चले जाते हैं बहुत लाखों की तादाद में आते हैं बच्चे लाखों की तादाद में तो इसलिए बहुत फेमस है ये ठीक है अर्थ एक्जेक्टली exactly कौन सी शेप की है अतुल जियोइड ओबलेट फेरोइड ऑब्लेट इलेप्सॉइड ऋषिकाले कहा ऑपरेशन समुद्र सेतु टू किसलिए ऑपरेशन समंदर सेतु टू बताओ बोलो बोलो अरे नोट्स क्यों बनाने इसके जो कह रहा हूं पीडीएफ दे दूं और क्या चाहिए आपको और क्या जान लोगे कहते रहो पीडीएफ दे दूं इसकी लर्न विद सुमित टेलीग्राम पर जाए क्लास खत्म होते ही और क्या जान निकाल के दे दूं हैं अप्रैल के भी करा देंगे अभिमन्यु अभी, अभी मई वाले रिसेंट है ताजा है ताजा ताजा चीजों का मजे लो हमको गर्म पानी चाहिए बा हाँ जी भाई साहब ऑक्सीजन की सप्लाई इंडियन नेवी ने ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने में दूसरे देशों से ऑक्सीजन लेके ले लेके ले ले आए हम आई एन तलवार ने 40 मिलियन टन ऑक्सीजन लेकर आए मनामा से मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट तो इसका इस तो इसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ठीक है जी समुद्र सेतु वन किस लिए था समुद्र सेतु वन था इंडियन नेवी लेकर आई थी बंदों को जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उन बंदों को वापस अपने देश कोरोना के महाकाल में क्लियर है चलो दादा साहब फालके वर्ड आपने सुना होगा दादा साहब फालके वर्ड सुना होगा आपने सतीश कुमार यहीं पे कांटेक्ट हो रहा है बच्चे क्या दिक्कत है करंट अफेयर की टेस्ट भी ले लेंगे बच्चे का टेंशन ले हो आप इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बच्चे दादा साहब फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए भारत सरकार ने 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया इस बार 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड ठीक है बेस्ट एक्टर का मिला दीपिका पादुकोण बेस्ट एक्ट्रेस का एक्टर का अक्षय कुमार इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु बेस्ट फिल्म तानाजी देख नहीं पाया था ना जी यार में इलेक्शन हुए थे कौन जीता कौन आ रहा आपको पता ही होगा कौन कौन से कंट्री के कौन कौन सॉरी कौन कौन सी कौन कौन सी स्टेट के कौन कौन से सीएम है आपको यह बात पता होनी चाहिए बस ये बात पता होनी चाहिए बताऊंगा नहीं बिकॉज रोज रोज मैं कराता हूँ रोज आपको करंट अफेयर्स में किसी न किसी सीएम की बात कर रहा होता हूं मैं ठीक है शनि यादव कह रहे हैं हिंदी में नहीं पढ़ाते क्या बच्चे मैं अभी अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं ना बच्चे ना गलत फहमी आपको इसमें जो एक कंट्रोवर्शियल न्यूज बनी वो न्यूज थी ये ये, ये बच्चे कहा गई हाँ न्यूज बनी ये क्या हुआ हमारी दीदी और दीदी हार गई थी दीदी और दीदी हार गई थी नंदीग्राम सीट से फिर भी वो सीएम बन गई तो ये कैसे हाँ कैसे हुआ ये ये आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है बच्चे इस चीज की ये बोलता है आपको भी सीएम बनाया जा सकता है अगर आप 25 साल से ज्यादा उम्र के हो और और कुछ छोटी मोटी और एलिजिबिलिटी है वो पूरी करते हो बशर्ते छह महीने के अंदर अंदर आप किसी सीट से चुन के आ जाओ ठीक है तो ममता बनर्जी को सीएम बना दिया गया हारने के बाद भी ठीक है लेकिन अगर छह महीने तक बायपोल नहीं हो पाया जो उत्तराखंड में हुआ बच्चे उत्तराखंड में हुआ अगर छह महीने तक तो इलेक्शन नहीं हो पाए तो दीदी और दीदी को हटना पड़ जाएगा बच्चे यस यस दीदी और दीदी को हटना पड़ जाएगा मैंने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करी है अपने करंट अफेयर के सेशन में अब बार बार डिस्कशन क्या करूं इसमें आर्टिकल वन याद रख लो बस टी रविशंकर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के एक गवर्नर होता है इसका नाम है शक्तिकांत दास चार डिप्यूटी गवर्नर डेप्य गवर्नर के नाम याद नहीं करने होते बस जो नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं वो याद करने हैं एक डिप्यूटी गवर्नर थे कहां हाँ, बी खनुगो कहाँ गए हाँ खनुगो बीपी खनुगो इनके जगह आ गए टीबी बी रविशंकर बस इतना याद रख लो इस शायद और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है आई जी एस टी जीएसटी के नाम तो ना तुमने जीएसटी जीएसटी कल जैसे ईपीएम ब्लॉक इलेक्शन जीती बीजेपी ये ब्लॉक का है बेटे काइंड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मान लो आपने म्यूनिसिपैलिटीज तो गलत हो जाएगा पंचायत के ऊपर होते हैं ब्लॉक्स ठीक है सर so नॉलेज के लिए कुछ बुक्स की वीडियो बना दो मतलब सुनो अरे सुनो रे सुनो मैं गर्म पानी कर लू दो मिनट लगेंगे दो मिनट लगेंगे गर्म पानी करना चाहता हूं दो मिनट लगेंगे बस ग्राउंड सर्विस टैक्स नहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बच्चे कितनी परसेंटेज है वो लिखना एक बार कितनी स्लैब्स अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे वो लिखना मैं गर्म पानी कर रहा हूं गली में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हाँ जी एल एच में आ गया देखा बता दो तो सत्तर बच्चे कम हो गए इतने में सत्तर बच्चे कम हो गए ए लचक में आ गया दोनों करनी पड़ेगी राहुल को दारा भाई साहब स्लैब पूछ रहा था मैं जीरो प्रतिशत पांच प्रतिशत बारह प्रतिशत अट्ठारह प्रतिशत एंड अट्ठाईस प्रतिशत एक होता है तो जैसे आप जीएसटी देते हो लगता है स्टेट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी सी जी एस टी या जीएसटी काफ बार आपने देखा होगा आई जीएसटी दैट इज इंटरमीडिएट मतलब पॉइंट जब एक जगह से दूसरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब जाना हो ना तब लगता है इंटरमीडिएट जीएसटी तो कम कर दिया बेसिकली कॉन्सेंट्रेटर पर ये सब बकवास थे यूरेनियम 214 सो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम बच्चे दूसरी आइसोटोप यूरेनियम की बस इतनी बात है आइसोटोप क्या होता है ये पता होना चाहिए कॉन्गो ने डिक्लेयर करा अपने आपको ओबोला से इबोला इबोला आउटब्रेक उन्हें खत्म हो चुका है सुन रहे हो इबोला आउटब्रेक उन्हें खत्म हो गया है ये कोंगो ने बोला कोंगो कहां पर है कोंगो अफ्रीका में बाबू भैया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो कहां पर है, है? अफ्रीका में है अनुज कुमार पहली बात तो वहां पे क्लियर बाउंड्री नहीं डिफाइंड बच्चे और वहां पे अपने जो डील है वो ऐसी है बच्चे यस yes. देखो कितनी मस्त चीजें कूंगा मैं एक चीज देखी आपने देखो सिर्फ सी से रूट लेने के लिए इन्होंने ये वाली जगह ले रखी है देख लो सी से रूट लेने के लिए जगह है ठीक है चलो चलो इन्होंने बोला एंड ऑफ इबोला आउटब्रेक, चलो यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया मिलके बहुत कुछ करना चाह रहा है इंडिया क्योंकि आपको पता है ब्रेग्जिट हो गया है पता होगा ये भरोसे वाले भाई साहब कौन है अब ब्रेग्जिट हो गया है ठीक है ब्रेग्जिट के बाद अब इंडिया की इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है तो यूके अब चाहता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में थोड़ी सी अपनी जो वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं धाक जमाए रखे और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सबसे बड़ा कौन है इंडिया यस yes. अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कोंगो दो है बच्चे यस yes. लूसेंट बढ़िया बच्चे ए लचक में आ गया चलो जी तो हम उनके साथ डील विल साइन कर रहे हैं 1.4 बिलियन डॉलर्स की डील हमने साइन करी ट्रेड डील कि हम अपना ट्रेड बढ़ाएंगे फलाना ढिमकाना और भी कुछ 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 गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर जर्नलिस्ट ओडिशा वो स्टेट है जिसने बोला ये जो अपने वर्कर्स होते हैं क्या नाम वर्कर्स कह रहा हूं जर्नलिस्ट होते हैं दीज आर फ्रंट लाइन वर्कर्स दीज आर फ्रंट लाइन वर्कर्स बच्चे ब्रेग्जिट का मतलब बच्चे ये कॉमनवेल्थ का मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स मैंने यूज कर दी अब बच्चा कंफ्यूज हो गया भाई साहब ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट बी आर ई एक्स आई टी ब्रिटेन का एग्जिट कहां से यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट इज ब्रेग्जिट ठीक है कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपने कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे ये वो कंट्रीज है जिन पे कभी ना कभी यूके ने शासन करा है ठीक है राहुल गोदारा आ जाओगे बच्चे ठीक है तो इंडिया भी उनमें से एक है चलो जी उड़ीसा ने नवीन पटनायक जी देख लो जी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी इन्होंने निकाली है इन्होंने निकाली है। गोपा बंधु संबादी के स्वास्थ्य बीमा जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे जर्नलिस्ट को कोविड नाइनटीन फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला इंपोर्टेंट है इंडियन आर्मी का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहां पे सिक्किम में है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन आर्मी का पहला है ठीक है में बैटरी यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं पटोला नाच पपेट्री आर्ट कहा की क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है पटोला नाच कौन से स्टेट की पपेट्री आर्ट है ठीक है शंभाजी बच्चे तो अर्पित सर जब शुरू करेंगे वो अर्पित सर अपने आप बता देंगे बच्चे शंभाजी जब अर्पित सर शुरू करेंगे बता देंगे अभी मैं क्या उनको जब अभी स्टार्ट है नहीं कर रखी तो कहां के बच्चे ये आसाम की है पटोरा नाच कहां के बच्चे आसाम की है आसाम की ठीक है बेहतरीन बच्चे बेहतरीन में गया इसी को पुटवला भावना भी बोला जाता है चलो जी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बस इतनी बात इसमें है मार्क सेल्बे ये लगातार चौथी बार नहीं लगातार नहीं होंगे शायद ही हा लगातार नहीं है लेकिन ये फोर्थ टाइम बच्चे बने हैं वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर स्नूकर के फोर्थ टाइम ये भाई साहब बने हैं वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर के ठीक है बच्चे क्लियर हो गया संदीप पवार नहीं पढ़ी है मतलब मैंने कौन सी ऑब्जेक्ट जोग्राफी की बात कर रहे हो आप कहां से बिलोंग करते हैं ही इज एन अंग्रेजन ही इज एन अंग्रेजन चलो जी बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 सस्पेंड करा था और अब कहां पे कर दिया इसको अब कहां पे चला गया ये अब कहां पर होगा नई शिवम दीक्षित करंट अफेयर्स में सुबह सुबह मेरा वैसा मूड नहीं रहता है कि आपको ईयरफोन्स की जरूरत पड़े सुबह सुबह मेरा वैसा मूड नहीं रहता है कि आपको ईयरफोन्स की जरूरत पड़े बच्चे रात तक आता है तो मूड बन जाता है वो रात तक आता आते मूड बन जाता है ठीक है अल चक में आ गया कृपा मेरी मा दी एक कृपा तेरी ना ये कहाँ चला गया बच्चे यूएई एंड ओमान में बढ़िया बहुत ही बढ़िया वेरी गुड शादी होने के बाद नहीं बनेगा क्या नहीं बनेगा आशुतोष कौशिक मेरे YouTube चैनल पे जाओ लर्न विद सुमित पे आपके लिए स्ट्रेटजी डाली हुई है मैंने सिर्फ आपके लिए जी यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ई का है ई का भरोसे वाली बात जल्दी से बता दो का भरोसे वाली बात है बताओ। भाई हम बायोडीजल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी अपने एडिबल ऑयल्स होते हैं और ही बहुत सारे तरीके हैं हम मिक्सिंग कर रहे हैं और पता है मिक्सिंग बड़ी खतरनाक चीज होती है हम मिक्सिंग कर रहे हैं किस चीज की कि हम भाई साहब पेट्रोल में डीजल में कुछ घर के बनाई हुई चीजें ऐड कर लेंगे जैसे इथेनॉल भी ऐड कर हमने पेट्रोल में नाउ दिस इज बायोडीजल ये एडिबल ऑयल्स से बनता है इसको डीजल में मिक्स करोगे तो बहुत ही सही मामला हो जाता है एक तो खपत कम होगी डीजल की और एफिशिएंसी भी उतनी रह जाती है ठीक है जी देखो जी बायोडीजल कहाँ कहाँ से बन सकता है एनिमल फैट से वेजिटेबल ऑयल से वेस्ट कुकिंग ऑयल से यहाँ से बन सकता है ठीक है जी नॉन टॉक्सिक है बायोडिग्रेडेबल है फर्स्ट ब्लो अवे गैलेक्सी डिस्कवर्ड कुछ खास बात नहीं है बस इसमें याद है कि कौन सा वो था टेलीस्कोप था डिस्कर्ड यूजिंग द जेमेनी टेलीस्कोप बच्चे बस यही चीज याद रख लो कि कौन सा टेलीस्कोप था उसके अलावा कोई खास बात नहीं मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया मराठा रिजर्वेशन के लिए आज की न्यूज एनालिसिस रिसर्च कच कल हो जाएगी सैटरडे को नॉर्मली क्लास नहीं लेता हूं वैसे मैं सैटरडे संडे को कल मैंने सैटरडे ले ली थी उसका रीजन था बीच में एक दिन हुई नहीं थी जिस दिन हमारी पार्टी चल रही थी फिफ्टी के वाली ट्वेंटी टू फिफ्टी के वाली उस दिन नहीं हुई थी बच्चे तो इसलिए ले ली थी हमने क्लास ठीक है और जो इसका ये है अपने जैसे जो आज के न्यूज होगा उसको कल वाले सुबह सुबह, सुबह उस न्यूज में कर लेंगे टेंशन मतलब क्लास कब तक है देखो दस बजे तक तो है ही है उसके आगे देख लेंगे बच्चे सर मौज कर रहे हैवी ड्राइवर हो हमारे गांव में न्यूज पेपर नहीं आता बच्चे मेरे मैं खुद ई पेपर यूज करता हूँ ई पेपर सब्सक्राइब कर लो बच्चे इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत ही सस्ता है एक सौ पचास रुपये है हिंदू महंगा है आठ सौ नौ सौ का पड़ेगा बट इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत ज्यादा सस्ता है बच्चे एक सौ ई पेपर मैं खुद वही करता हूं डाउनलोड ठीक है बहुत ही बेहतरीन मैं क्लास टेंथ इलेवेंथ का स्टूडेंट आशुतोष मलिक देखो मैं जीएस कंप्लीट पढ़ा रहा हूं कमांडो बैच में और दूसरे और बैचेज में मेरे साथ क्या होता है अलग अलग बैचे में अलग अलग चीज शुरू हो रही होती है बट एक बैच ऐसा निकल जिसमें कंप्लीट जीएस पढ़ा रहा होता था तो मैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ कमांडो बैच है बच्चे मुझसे पढ़ने वाले नहीं क्लास खत्म नहीं है अभी क्लास चल रही है आगे हाँ जी ये रिजर्वेशन देने की बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है एक तो क्लियरली आर्टिकल छियालीस में बच्चे क्लियरली आर्टिकल छियालीस में जिसमें गांधी जी ने बोला था भाई आपको एस सी के उत्थान के लिए काम करना चाहिए एक रिजर्वेशन की बात वहां पर है इसके अलावा आर्टिकल 15 और 16 में बातचीत करी गई है वैसे तो आर्टिकल 15, 16 बोलते हैं there should be no discrimination, but वहीं पे इनका का part, का part बोलता है सरकार चाहे तो भाई साहब किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जो इकोनॉमिकली एंड सॉरी एजुकेशन एंड सोशली बैकवर्ड हो उसमें इकोनॉमिक वर्ड अब एड कर दिया गया तो उनको उनके लिए कुछ खास प्रावधान इनडायरेक्टली रिजर्वेशन का, काम कर सकती है लेकिन अब जैसे जो मराठा रिजर्वेशन है दिस इज सीन की भाई साहब मराठा बोलते हैं अपने आप को बैकवर्ड लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कहां बैकवर्ड आप लोग और कोई ग्रुप या कोई कास्ट बैकवर्ड है या नहीं है ये स्टेट नहीं बोलेगी ये पार्लियामेंट बोलेगी बेसिकली प्रेसिडेंट बोलता है पार्लियामेंट से सलाह करके ठीक है इसका इसमें जो रोल है वो सिर्फ सेंटर का स्टेट का कोई रोल नहीं है क्लियर मामला तेरी मेरी थी ये रहा बच्चे मिली सेकेंड पल्स डिस्कवर्ड मुझे इनमें इन ज्यादा मजा नहीं आता बस इसमें एक चीज याद रख लिया करो कि किस कौन से टेलीस्कोप ने डिस्कवर करा मीर का टेलीस्कोप ने डिस्कवर करा मिली कल मिली सेकेंड इंडिया यूके रोड मैप मैंने बताया ना इंडिया यूके बहुत कम कर रहे हैं तो इन्होंने अपने एक आशय सकता है कि इंडिया ने किसके साथ एक रोड मैप साइन करा है 2030 का रोड मैप ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में तो यूके मैंने बताया ठीक है चलो जी को क्यों कर रहे हैं ट्रेड पार्टनरशिप को अनाउंस कर रहे हैं मे फ्लावर फोर फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप बहुत इंपोर्टेंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट संदीप कौन सी किताब कर रहे है? मुझे नहीं पता मैंने नहीं पढ़ी वो अगर वो किताब कह रहे हो तो आशुतोष मैं आपका जवाब दे चुका हूं करना चाहे कर सकता आशुतोष रजत बच्चे सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट तो पक्का हो जाएंगे अप्रैल 2022 के लिए जैतरा बैच चलो जैतरा बैच को ज्वाइन कर लो अभी यार देखो लास्ट में पूछ लेना ना क्वेश्चन अभी प्लीज ये पढ़ लो लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे प्लीज अभी ये पढ़ लो सुन लो यार अभी ये पढ़ लो प्लीज ठीक है लास्ट में कर लेंगे प्लीज लास्ट में पूछ लेना डाउट्स अभी कर लेते हैं, ठीक है लास्ट टाइम बात करेंगे जो बेबी बेबी जो है हो बेबी जो है एक घंटा और कर लेते हैं बच्चे आधे ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा चलो मे फ्लावर फोर हंड्रेड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप ठीक है जी किस किस ने बनाई रिसर्च स्ट्रीम फ्रॉम मैरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर जिन्होंने कोलेब्रेशन करा आईबीएम के साथ बना दी मे फ्लावर फोर हंड्रेड ठीक है जी सेल्फ गवर्निंग वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपको पता ही क्या कर सकता है जी क्या देख रहे हो क्या देख रहे हो तुम ऑक्टोबर फेस्ट बच्चे अक्टूबर फेस्ट जर्मनी का एक फेस्टिवल है ठीक है जो इस बार तो सस्पेंड हो गया ये बनाया जाता है इसमें मस्त अपना दारू पीते हैं लोग ठीक है ठीक है सॉरी मतलब ये बियर पीते हैं बियर ये काहे काहे बनाया जाता है बच्चे इसके मतलब बहुत लोग इसमें इकट्ठे होते हैं क्राउन प्रिंस लुडविंग लुडविंग ठीक है जी जब बाद में राजा ही बने इन्होंने जब शादी की थी प्रिंसेस थोरसे ऑफ सेक्सोनी हिल्ड बर्गेसवेन अठारह में उस टाइम पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था उसके बाद एक ट्रेडिशन बन गया कि यहाँ पे मस्त अपना बियर वियर पीते हैं लोग क्लियर है चलो रिपीट सर क्या रिपीट करना है चिपरा चुप शांत रहो <laughs> शांत रहो भावना मत भाग रहो तुम भावना मत भाग रो कोई बात नहीं चलता है सब ना बेबी ना ऐसा नहीं करते ले, ले 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 नहीं एशियाटिक लॉयंस कोविड पॉजिटिव अपने हैदराबाद में एक जू था उसमें मिले लॉयंस कोविड पॉजिटिव लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि एशियाटिक लॉयंस काफी मिलते हैं नेचुरली एक एक ही उसमें मिलते हैं जंगल में बस दैट इज दैट इज गिर फॉरेस्ट गरीबों का दुख कोई गरीबों का दुख बांट दो तो देखने वाली चीज थी वो नहीं देख रहे थे कुछ और ही देख रहे थे मैंने बताया था अक्टूबर फेस्ट तुम कुछ और ही देख रहे हो बहुत ही बढ़िया सर स्कूल ओपन हो गया अब लाइव कैसे आएंगे कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा मेरी जान मेघालय में हंड्रेड मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सीरो बोलोगे सर सर सीरोपोर्ट्स क्या है? दिखाता हूं सीरोपोर्ट्स क्या है ये देख लो ये सीरोपो देख रहे कितना लंबा है देख रहे कितना लंबा है इसका नेक ठीक है तुम्हें तो गाले मिले आप इसके डायनासोर के वो ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे सीरोपोर्ट्स कोविड लोन बुक बताया था मैंने कोविड लोन बुक क्या थी रिजर्व बैंक ने एक लिक्विडिटी विंडो लॉन्च करी है पचास हजार करोड़ की इन्होंने बोला बेसिकली बैंकों को बोला आप लैंड करो जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी बंदा लोन लेना चाहता है उसको लोन दो एक स्पेशल फंड क्रिएट कर दिया उन्होंने। उसके रिस्पेक्ट में, आ, बच्चे। तो है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आईडीबीआई ने सरकार ने अपना वो खींच लिया है पुराना कर लिया है मतलब आई मीन अपना शेयर बेच दिया बेसिकली ठीक है जी आज के टाइम पे गवर्नमेंट 45.48 मतलब बेचा नहीं है बेचने की प्लानिंग चल रही है ठीक है काफी बड़ा शेयर आई बैंक में गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करता है ये डिस इन्वेस्टमेंट बार बार पढ़ रहा हो डिसमेंट क्या है जितनी भी सरकारी कंपनीज है उसमें से सरकार अपना शेयर निकाल के बेच रही है इन्वेस्टमेंट होता है कि किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिस इन्वेस्टमेंट होते उस कंपनी से अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हो आप ठीक है अब तो याद से पीडीएफ भेज देना पीडीएफ तो मिलेगी आपको पीडीएफ तो मिलेगी ठीक है तो इस डिस इन्वेस्टमेंट को लेके तो बहुत वो न्यूज आ रही है कि सब कुछ बेच रही है सरकार प्राइवेटाइजेशन ये सब वो सब यही तो हो रहा है नहीं नहीं सेल सेल नहीं लगी है इसकी लूसेंट के जी के ठीक है बच्चे पोलिटिकली तो काफी ठीक है पॉलिटिकी अच्छी किताब कोई भी ले लो जैसे लूसेंट ठीक ही लगती मुझे लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं पढ़नी आशुतोष अभी ऑप्शन आपके पास ऑफलाइन कर सॉरी ऑनलाइन कर ऑनलाइन ही कर ऑफलाइन ऑफलाइन मत जाओ मेरी सजेशन है पर्सनली अभी के लिए इंडिया के पास सिर्फ एक ही स्पीसीज है गिबन की दैट इज वोलो गिबन ठीक है जी का मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिलते हैं बस इतना इंपॉर्टेंट इसका वो भी आ सकता है स्टेटस भी आ सकता है आई के द्वारा जो इसका स्टेटस है हा देखो अलग अलग है बच्चे वेस्टर्न हेलिकोबर इंडियन जो है ईस्टर्न वन लेवल है थ्रेट है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो क्या कर रहे हैं हम हम जानबूझ के हम इसके जीन्स को चेंज कर देंगे ताकि ये जब किसी और नर या मादा किसी के साथ भी ये ये एग लिंग वगैरह करें किसी के साथ भी कुछ करे तो भाई साहब उसके उसके पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी डेंगू ना फैले इस टाइप की हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ये चीज हम कर रहे हैं ठीक है एडिस एडिस मॉस्किटो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू एंड मलेरिया उसके उनके साथ हमें कर रहे हैं खरीफ स्ट्रेटेजी खरीफ क्रोप्स कौन सी होती है बच्चे मेरी जान खरीफ क्रोप्स कौन सी होती है पाथ फाइंडर इज गुड बट क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स है बच्चे आपके टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी की बुक डाउनलोड कर लो क्या कर लो बच्चे मेरे पे एग्जिस्ट कर रही है तो कर लो हाँ जी क्लियर है मामला चले आगे चले 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 बोलो भाई साहब आगे चलो फटाफट पट। खरीफ क्रोप कौन सा फोन हुआ रहा मेरा अरे हम तो क्लास में हूं हाँ जी स्पेशल खरीफ स्ट्रेटेजी फॉर दो हजार इक्कीस सीजन राबी क्रोप वो कर देखो मैंने कैसे याद कर रखा है बच्चे मैंने कैसे याद कर रखा है राबी और खरीफ को? राबी सिमिलर टू रजाई रजाई किसमें यूज होती है सर्दियों में तो राबी वो क्रोप है जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है तो आपने देखा होगा गर्मियों में क्या कट रहा होता है वीट और इसके अपोजिट राइस तो मैंने ऐसे याद कर रखा ऐसे याद कर रखा है ये सब नॉर्थ इंडिया में फॉलो हो रहा होता है साउथ इंडिया में तो पूरे साल चावल उगाने की हिम्मत रखते हैं वो लोग सही है बच्चे श्रेयांश स इट इज गुड बढ़िया ठीक है तो स्पेशल खरीफ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटजी बनाई गई वो अपने लिए इंपोर्टेंट निप अपने इंपोर्टेंट है खरीफ क्रॉप कौन सी है ये सब चीजें हैं बस और कुछ नहीं इंटरक्रॉपिंग क्या होता है बच्चे इसमें नाम भी लिखा हुआ इंटरक्रॉपिंग व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग ज्योग्राफी के बच्चे एनसीआरटी से बेटर कुछ नहीं है यार लिंचिंग हो यार अब लास्ट में पूछना है सारे सवाल नहीं खट्टे ऐसे एक साथ ऐसे मत पूछो लास्ट में पूछना बच्चे हाँ जी बच्चे जीएटी के लिए कौन सी बुक अच्छी है तुम पागल हो गए हो क्या भाई साहब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ या फिर यूट्यूब पर डाल दो बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए सुमित सर अपने आप आ जाएगी देख लो प्लीज जब एक साथ मैराथन करनी होती है तो बच्चे बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती है लगातार मैराथन है तो मैराथन तो का मतलब है कि बहुत सारे टॉपिक एक साथ है तो उसमें हो सकता है इतने लंबे टाइम तक थोड़ा सा बोरिंग हो जाए पढ़ना पड़ेगा बच्चे ऐसा थोड़ी ना होगा पढ़ना पड़ेगा यार अब बीच बीच में क्वेश्चन पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार लास्ट में इकट्ठे पूछ लेना प्लीज बीच बीच में पूछोगे तो कोई फायदा नहीं है गिव का रिजल्ट तारीख को आएगा बच्चों ठीक है चलो हा जी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जीएनएफसी की फुल फॉर्म ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ऑब्वियसली आपको पता होगा कि फूड क्राइसिस इस बार खतरनाक हुआ है ठीक है ये एक इंटरनेशनल अलायंस है यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन और अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर ठीक है हालत बुरी है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को फूड इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ी है 2020 में और दो में ये चीज और भी बढ़ गई होगी ठीक है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन एंड और और गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर बनाया तो इस ये ये इंपॉर्टेंट है बच्चे ठीक है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये क्या बोलता है ये बोल रहा है अपने टारगेट थे जो हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन करा था ना उसमें अपने टारगेट थे कि भाई साहब इक्कीस सौ तक हमें सिर्फ दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ने देना है ठीक है लेकिन ये बता रहे कि भाई साहब जिस हिसाब से भी हम चल रहे हैं उस हिसाब से टू डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें होने वाला है बच्चे ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत नुकसान हमें होने वाला है यस अरे जैसे ग्लेशियर्स वगैरह वो मेल्ट कर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से तो जैसे ओशियन का लेवल बढ़ जाएगा पानी का पानी का लेवल बढ़ गया ओशियन में तो बहुत सारे आइलैंड वाइलैंड डूब जाएंगे क्लाइमेट चेंज होगा बहुत कुछ होगा बच्चे बहुत नुकसान है लिनामेंट लिनामेंट क्या होता है मैंने कहीं लिखा भी होगा शायद ना उसमें डाला देखो दिस इज लिनामेंट, छोटे 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 क्रैक्स अंदर पड़ जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल था जो भी असाम में असाम में वो क्या नाम है अर्थ आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे बच्चे क्या कर रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ आर ने इकोनॉमी में ये बहुत सारे रास्ते अपनाए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसे मैंने बताया ना कोविड लोन बुक कोविड लोन बुक उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ठीक है जी स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक को बोला कि भाई साहब आप भी लिक्विडिटी मतलब क्या नाम है लोन वोन दे सकते हो बहुत कुछ बहुत कुछ बातें करी वही कम इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया था ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मराठा मराठा कोटा मैंने बताई आपको बात ये मराठा कोटा मैंने बताई आपको ठीक है हाँ जी बहुत ही बेहतरीन स्पेस एक्स ने स्पेस एक्स सक्सेसफुली लैंडसिट स्टारशिप रॉकेट जो नहीं कर पाया था पिछले चार पांच अटेम्प्ट में स्पेस एक्स ने कि कर दिखाया है कर दिखाया है पांचवें में, में करके दिखाया है प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट को इन्होंने लैंड करा दिया है बच्चे वापस लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है इसको लैंड करा दिया गया है स्पेस एक्स की बात करो जब ई चचा तो जानते ही होंगे मस्क चचा बिटकॉइन में इन्होंने क्या ही तशरीफ हिलाई थी आपको याद ही होगा ठीक है एक क्या है एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ देख रहे हो तुम क्या लिखा हुआ ये जो इंपोर्टेंट नहीं थे वो मैंने जल्दी से निकाल दिए कुछ ऐसा है नहीं उसमें खास इंपोर्टेंट बच्चे कम हो रहे हैं ऐसी ऐसी चीज मत करो बच्चे चलो तो ठीक है साढ़े नौ तक कर लेंगे क्लास बस बीस मिनट और ज्योग्राफी का सिलेबस कहां पे बच्चे पूरा डाउट्स आखिरी पूछना बच्चे मैं बहुत ही बढ़िया एंजॉय बेबी आप कैसे हो हाँ जी कृपा मेरी माँ दी कृपा तेरी नादी करते हैं भाई साहब जिसके जो भी डाउट है हम कर रहे हैं शांति रखो शांति रखो बातचीत कर लूंगा अभी शांति रख लो प्लीज बीस मिनट और पढ़ लो बस सिर्फ बीस मिनट और पढ़ लो प्लीज ठीक है थीक। हाँ जी चलो एशियन अफ्रीकन पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ नासा सेलिब्रेट करता है काहे सेलिब्रेट करता है एशियंस और अफ्रीकन्स ये एशियन अमेरिकन समझ रहे हो जितने भी एशिया से वहां पे लोग गए हैं नासा में या फिर उनकी हिस्ट्री में जिस भी तरीके से मतलब मदद करी है यूएसए की तो इस वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है ठीक है ताकि उनको भी थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हो सब एडवांसिंग लीडर्स थ्रू परपज ड्राइव सर्विसेज ये थीम है थीम कम इंपोर्टेंट बस ना आपको पता हो वही चीज इंपोर्टेंट है बस ठीक है ओके जी पेस्को ये एक एक्सरसाइज है बच्चे एक एक्सरसाइज है यूरोपियन यूनियन की इसने इस बार बोला है नॉर्वे कनाडा एंड से भी पार्टिसिपेट कर सकती है फैसलों की फॉर्म है परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन डिफेंसिव इन डिफेंस इनिशिएटिव डिफेंस इनिशिएटिव ठीक है यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी का यह पार्ट है पॉलिटी का पार्ट है सॉरी पॉलिसी का पार्ट है इन्होंने बोला है चलो इस बार आप यूएस कैनेडा कनाडा और ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है ओके ये क्या है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ग्लाइफोसेट यूज करा जाता है बहुत ही ज्यादा बच्चे एग्रीकल्चर में ठीक है तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है स्ट्रिक्ट बैन है ये एक भी साइड है बच्चे जो वीड्स जो कॉटन की खेती में वीड्स जो बोलते हैं ना कीड़े ठीक है उसके लिए यूज करा जाता है लेकिन भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है खतरनाक चीज है इसकी वजह से ना बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज हो रही है एच टी कॉटन के लिए यूज करा जाता है एच टी कॉटन नहीं उगाने हो तब भी लोग इसको उगा रहे हैं इलीगल इसकी इलीगल चीजें दिक्कत है बच्चे ठीक है चलो फूड प्राइस इंडेक्स इज हाइएस्ट इन टू जीरो टू फोर यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई साहब वर्ल्ड में फूड के प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं अब तक के सबसे हाई हैं ठीक है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फूड प्राइस इंडेक्स किसने रिलीज करा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज करा गया फूड प्राइस इंडेक्स क्लियर है क्लियर है मामला बहुत ही बढ़िया फूड प्राइस इंडेक्स है क्या मंथली चेंज ऑफ बास्केट ऑफ फूड ग्रेन सच ऑयल सीड सीरियल्स डेयरी प्रोडक्ट्स शुगर एंड मीट हां भाई नाम समझ में आ रहा होगा फूड प्राइस इंडेक्स को स्टॉप टोक्यो ओलंपिक्स क्या है बच्चे एक मूवमेंट है स्टोप टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना के चलते बोल रहे हैं ये टोक ये ओलंपिक्स नहीं होने चाहिए ओलंपिक्स नहीं होने चाहिए ओलंपिक्स 2020 में होने थे जो 21 में शिफ्ट होने हो चुके हैं लेकिन अब तो ओलंपिक्स हो ही रहे हैं अब तो हर जगह सवाल वो दिए जा रहे हैं ठीक है आज के करंट अफेयर बच्चे कल की क्लास में हो गए ना यार वट इज डी अटैक बच्चे एक साइबर अटैक था बेल्जियम पे अटैक हुआ ये बेल्जियम अटैक हुआ पूरी की पूरी गवर्नमेंट वेबसाइट उनकी ठप पड़ गई थी ठीक है डीडीओएस अटैक वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को सेलिब्रेट करा जाता है इस बार की थीम बार कम इंपॉर्टेंट है बट ठीक है थैलेसीमिया क्या है एक ब्लड डिसऑर्डर है बच्चे जो कि मतलब हेरिडिटी हेरिडिटली पास होती है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाती है तो बेसिकली उसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नहीं बनता जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है बच्चे ये है एरिया अराउंड क्रीक, महाराष्ट्र, बॉम्बे ठीक है सेंचुरी, उनको नोटिफाई कर दिया गया है ई एस जेड इ एस जेड इको सेंसिटिव जोन बच्चे इको सेंसिटिव जोन क्या होती है बेसिकली कुछ बफर जोन होती है जहां पे डेवलपमेंट डेवलपमेंट का प्रेशर थोड़ा कम करा जाए ताकि वहां पे जितने भी ये बायोडाइवर्सिटी है ये मेंटेन रह सके उसके लिए रहता है देख लो ये है यहां पर है अच्छे से देख लो ठीक है मेन मुंबई के वही देखो नवी मुंबई नवी मुंबई के बगल में देख लो ठीक है हाँ जी थाने क्रीक प्लेमिंग सेंचुरी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे माइग्रेटरी बर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह बर्ड जब ट्रेवल करते हैं दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स आठ मई को सेलिब्रेट करा जाता है बच्चे आठ मई को सेलिब्रेट करा जाता है ये बेस नहीं सेलिब्रेट आठ मई को नहीं सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है सॉरी बच्चे आठ मई तो इस बार वो पढ़ गया लेकिन सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करा जाता है क्लियर है इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है सिंग फ्लाई रोर लाइक अ बर्ड पता नहीं कहां कहां से आपको पता है ना कहां कहां से अपने देश में ये आते हैं क्या नाम है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं आपको पता ही होगा कहां कहां से आते हैं अरे सो तो नहीं गए क्या दिक्कत है मैं ऐसे दीवार का सहारा लेके खड़ा हो गया था सो तो नहीं गए हो बोलो सब सही चल रहा है मामला तशरीफ एकदम मस्त हिली हुई है ए? दो पार्ट में कराना पड़ेगा इसको तुम्हारे तो तशरीफ हिल जाती है बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी तशरीफ हिल जाती है तुम्हारी तो बड़ा भरोसे वाले एकदम तुम तो हुँ? हाँ जी मैंने एक वीडियो डाली थी एक मैंने वीडियो डाली थी हाउ टू मैनेज वाली रहा किस चीज की पार्टी चाहिए तुम्हें किस चीज की पार्टी चाहिए जून जूंगी करंट फिर करा दे पहले मई के तो करा दे पूरी अमर नेहरू समझ ही नहीं आया तुम कहां पे बात कर रहे हो यूट्यूब पे कह रहे हो कहा कह रहे हो तुम एनसीआरटी नई वाली पढ़ो बच्चे दिशा चौदह यश ठीक है फोन का गीवर बच्चे होगा आपका जल्दी पंद्रह तारीख को बोला था मैंने फिफ्टी को बोल फिफ्टीन को बोला था मोबलिंचिक कार्तिक को बहुत सारे भीड़ आगे किसी को मार के चली जाए क्या तशरीफ हिल चुकी है क्या क्या हो रहा है नहीं पढ़े ना और तशरीफ हिल चुकी है तशरीफ हिल चुकी है क्या क्या हो गया भाई आगे चलो ना चलो बताओ पोल हिल गई है चलो 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 नो 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 पोल पोल कैसे दू यहाँ पे चलो साढ़े नौ तक तो करते हैं दस मिनट तक तो करते ही है तो इतना तो करें कम से कम दो पार्ट में कंप्लीट हो जाए तीन पार्ट ना लगाने पड़े इतना तो कम से कम करें इतना तो करें कम से कम मुझे पता है कि बोलते हैं रोज रोज आ जाता है यार सुबह आठ बजे उठा देता मैं लेकिन ये भी सोचू ना मैं खुद भी तो उठता हूँ बच्चे और मैं आठ बजे नहीं मैं तो छः बजे उठता हूँ पहले कंटेंट बनाता हूँ चलो आज तो मैं सात बजे उठ पाया लेकिन रोज तो मैं छः बजे उठ के पहले न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ और आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ तब तो जगह क्लास हो पाती कोविड वेरियंट डेल्टा वेरियंट ने तशरी हिला रखी है दुनिया की पता होगा ना इसको वेरियंट ऑफ कंसर्न भी बोला गया यूके साइंटिस्ट ने डेल्टा वेरियंट ने तो चलो जी एन एफ आई क्रिएट्स डेटा बेस ऑफ कंपनी स्पूतनिक लाइट इका है ये सिंगल डोज वैक्सीन जो कि 80% परसेंट रेट रखता है बच्चे 80% परसेंट रेट रखता है स्पूतनिक लाइट ठीक है कहां की है कि स्पूतनिक नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रशिया बच्चे वेरी गुड सिंगल डोज वैक्सीन है यस सिंगल डोज वैक्सीन है किसने डेवलप करा गयला रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडलॉजी गमाइला रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडलॉजी ने इसको वो कराया है। ठीक है वहीं पर स्पूतनिक वी जो है ये टू डोज वैक्सीन है ठीक है इक्कीस दिन के गैप पर जो दी जाती है चलो हाँ चाइनीज रॉकेट एक गिरा था अभी अभी रिसेंटली मोलदीव के पास गिरा याद होगा आपको इंडियन ओशन में मोलदीव के पास गिरा था चाइनीज रॉकेट ठीक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11 को बच्चे सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इंडिया में क्यों सेलिब्रेट करा जा रहा है पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट करा था नाइनटीन में 1998 में दूसरा जो हमारे इंजीनियर्स ने आज तक अचीव कराया है उनको थोड़ा सा उनको याद करने के लिए भाई साहब आपने क्या 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 कर दिया रोहन भाजपा आज बच्चे जो क्लास है ना मैप वाली क्लास है जैतरा और उड़ान बैच में दो क्लासेज आज दोनों मैप ही क्लासेज है जैतरा एंड उड़ान बैच में है एक से चार बजे के आसपास है एक आठ बजे के आसपास है इसके अलावा स्पेशल क्लास है बच्चे आठ बजे सॉरी छ बजे छह बजे ठीक है जी चलो ग्रेट निकोबार प्लान ग्रेट निकोबार प्लान बेसिकली हो क्या रहा है इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, के अंडर आती है उसने बोला है कि भाई साहब पूरा पहले आप इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कीजिए ग्रेट निकोबार पूरा इसमें निकोबार को डेवलप करने की बात करी गई है पूरा इसमें डेवलपमेंट की बात करी गई है लेकिन इससे नुकसान क्या क्या होने वाला है इस चीज को कितना ध्यान में रखा है इस चीज के लिए कमेटी बनी ठीक है जी अब बेसिकली है क्या, इकोलॉजिकली एको, सेंसिटिव जोन अगर आप यहाँ पे भी देखो सेम सी चीज लक्ष्यद्वीप में करी जा रही है बिल्कुल सेम सी चीज करी जा रही है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ये प्लान जो था प्रपोज करा था नीति आयोग ने इसने बोला था कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे हम यहाँ पे समझ रहे मेरी बात को इंटरनेशनल कंटेनर जैसे मान लो एक ही होता है ना बहुत शिप्स लेकर आई बहुत सारे कंटेनर्स तो उस कुछ कंटेनर वो यहाँ पे छोड़ दे और फिर आगे चली जाए और फिर यहां से जहां भी जाना हो वहां चले जाए कंटेनर तो बीच में एक स्टॉपिंग होल्ड सा बन सकता है ग्रेट निकोबार तो ये चीज चल रही है पिछहत्तर करोड़ लग के ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा होना है लेकिन इसमें पता है आपको वहां की डाइवर्सिटी बाई डाइवर्सिटी इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा इसलिए सारा सीन है इसलिए लोग थोड़े से अपोजिट है देख लो अंडमान निकोबार देख लो थोड़ा सा अंडमान निकोबार देख लो थोड़ा सा बच्चे दिस इज ग्रेट निकोबार यहाँ पे यहाँ पे सारा प्लान है ये ठीक है दो मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा थोड़ी देर रुक जाओ बस थोड़ी देर रुको बस कर रहे हैं कर रहे हैं टेंशन मत लो पांच सात मिनट और सर डेल्टा वेरिएंट को स्प्रेड कैसे करें चंदू अब तुम्हारा काम यही रह गया है क्या चाहते हो तुम थर्ड एशियटिक साइंस मिनिस्टर सॉरी थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टर आर्कटिक पता है ना आर्कटिक ओशियन आर्कटिक किसने रिप्रेजेंट करा डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट करा बच्चे ठीक है इससे पहले दो आर्कटिक मिनिस्टर हो चुके हैं 2016 में और 2018 में ठीक है जितने भी आर्कटिक ओशियन है बेसिकली आर्कटिक ओशियन से जितने भी कंट्रीज लगते हैं बॉर्डर वो उन्होंने मिलकर एक आर्कटिक काउंसिल बना रखी है इस इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है मेंबर नहीं बिकॉज इंडिया से नहीं लगता ना आर्कटिक इस वजह से ठीक है जी हाँ जी स्वेज कनाल अभी ब्लॉक हुई थी है ना स्वेज कनाल ब्लॉक हुई थी ना तो अब जापान बोल रहे निकाल लेते हैं स्विश कैनाल से बिकॉज अब आइस मेल्ट हो गई है तो अब यहां से रशिया के ऊपर से जाते हुए रास्ता निकाला जा सकता है जो पहुंच जाए पे समझ छोटा पड़े बस दिक्कत पहले इसमें दिक्कत क्या थी पहले दिक्कत ये थी बच्चे कि यहां से जापान से बात कर रहा हूं मैं क्योंकि आइस इतनी ज्यादा थी कि वहां पे अब शिप कैसे जाए फिर आइस ब्रेकर चाहिए आपको लेकिन अब आइस इतनी मेल्ट हो गई है कि ये काम करा जा सकता है तो अभी आपको पता होगा ना स्वेज कनाल में एक ब्लॉक हो गया जिससे जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड को राइट चलो जी असम यूनिसेफ ऑनलाइन फ्लू फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम असम में फ्लड आती रहती है तो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने ए सी बंद कर देता बहुत हो गया हाँ जी अरे रुक जाओ रुक जाओ पांच मिनट रुक जाओ यूनिसेफ से मिलके एक ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया बच्चे और ये डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम है और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है बच्चे असम। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है असम ठीक है स्पेस क्राफ्ट नासा का स्पेस क्राफ्ट जो गया था एस्ट्रॉइड बेनू के पास अब वापस आ रहा है बच्चे तो आ सकता है कि बेनू क्या एक एस्ट्रॉइड है उस पर कौन सा मिशन भेजा था कौन सा स्पेस क्राफ्ट भेजा था तो उस रेक्स अब वापस वो आ रहा है वापस आ रहा है इंडिया के भूख लग गई भूख लग गई तुम लोगों को चलो फिर रुक जाते हैं यहीं पर रुक जाते हैं कोई बात नहीं मुझे लग रहा है आप दो पार्ट में चीजें कवर हो जाएंगी एक्सन रुक देखता हूं कितना बचा हुआ है 285 हो गई स्लाइड सात सौ सत्ताईस स्लाइड तो आइडियली थोड़ा सा और होना चाहिए आइडियली थोड़ा सा और होना चाहिए बताओ आना अकेडमी बोले छुट्टी दे दें चलो ठीक है शांति 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 बताओ किसी की कोई डाउट हो तो बताओ चलो सुनो तो सही थोड़ा पहले प्रमोशन तो कर दो पेन कहाँ गया मेरा मेरा पेन मतलब ये वाला पेन चलो और प्रमोशन कर देता हूँ थोड़ा सा उसके बाद तो आपके डाउट हो तो बता दो मैं पता है रुका आप लोग की वजह से नहीं हूं मैं मैं रुका इसलिए हूं मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन इतना सारा करंट अफेयर याद नहीं रहेगा आपको इसलिए रुक गया मैं मैं इसलिए रुक गया कि इतना सारा करंट अफेयर आपको याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो ठीक है हाँ जी एक तो भाई अपनी आज स्पेशल क्लास है जिसमें टेस्ट अपना। है अपना ठीक है बच्चे टेस्ट अपना शाम को छह बजे ठीक है एक तो अपना ये सिस्टम है इसको देख लेना ध्यान से प्लीज।, प्लीज प्लीज इसको आज मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा नए नए बैचेस आपको पता ही होगा बैचेस के बारे में तो नए नए बैचेस आ रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे नया बैच एक संग्राम आ रहा रहे शेरशाह भी चला स्टार्ट हुआ शेरशाह बैच ठीक है तो बहुत सारे नए नए बैचेस आते रहते हैं आप देख सकते हो ये देख लो आप ठीक है किसी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे किसी बैच में आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जीवन के फुल मजे ले सकते हो अभी सब्सक्राइब कर लो बेटर है कहा है कि प्राइस हाइक हो रहा है पंद्रह तारीख से प्राइस हाइक हो रहा है तो बेटर है इसको आज ही सब्सक्राइब कर लो ठीक है ये ऑफर भी चल रहे हैं अभी बारह प्लस दो चौबीस प्लस चार ये ऑफर चल रहे हैं आप ले सकते बच्चे ये संग्राम बैच देखो ये बैच संग्राम बैच आरएच रहे है, चित्रा जी नाम मैम है मैथ्स पढ़ा रही है जो बाकी और टीचर्स आप देख सकते हो इंग्लिश पढ़ा रही है दीक्षा मैम हिस्ट्री पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा सुनील सर इको पढ़ाएंगे मयंक सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे रेशमा खान मैम फिजिक्स एंड बायोलॉजी सी सिन्हा मैम केमिस्ट्री ठीक है ले सकते हो इसमें सब्सक्राइब कर लो बच्चे अन अकेडमी प्लस पे बैच आ रहा है ये अन अकेडमी प्लस पे बैच आ रहा है आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोड जो यूज करना है तो कहीं भी जाओ आप कोड आपको यूज करना है एल डब्ल्यू एस टेन देखो गेट में क्लिक करोगे कोई भी प्लान सेलेक्ट करो अगर बारह महीने का प्लान लोगे तो फिलहाल दो महीने का आपको ऑफ मिल जाएगा ठीक है तो एल डब्लू एस टेन आप कोड लगाओ टेन परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा आपको ठीक है आएंगे वो शिक्षण दीक्षित नया बैच आएगा उनका भी सतीश कुमार दे सकते हैं बच्चे और कोई किसी और को और कोई दिक्कत और डाउट हो तो बता दो किसी की कोई दिक्कत होता और डाउट होता बता दो बच्चे पार्टी दे दो एस के सुफुद्दीन छत्रिय जैंत सिंह रोज फ्री की चीजें आ रही हैं अब आज अपना टेस्ट है कल अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो, जो, की मतलब कल किसके लिए कल ज्योग्राफी लगेगी नहीं कल हिस्ट्री लगेगी परसों ज्योग्राफी लगेगी क्लास अपनी एलडब्ल्यूएस पे विशाल जट कार्तिक सर हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे इसका आइडिया मुझे नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे उनको ये पता है मुझे इसकी पीडीएफ आपको पूरी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको अभी ले सकते हो सतीश कुमार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जल्दी ले लो लेट मत करो वरना फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तो टेंथ वाला बच्चा है वो बड़ा सब्सक्रिप्शन ले दो साल वाला ले उसको बिकॉज अपना कोर्स दो तीन बार कंप्लीट करेगा तब जाके उसकी क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो पाएगी बच्चे जामिया का तैयारी में क्या फर्क पड़ रहा है एंडी करते रहो और कुछ मत करो आप उससे अपने आप हो जाएगा नहीं अर्पित पांडे ऐसा कुछ भी नहीं है ये आदित्य यू कैन लीव द क्लास आपका बर्थडे कब आता है शांत रहो ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है क्या इंडिया में थोड़ा सा आती है बच्चे ज्यादा नहीं कुछ वो सेंसेस के बेसिस वाली चीजें आ जाती है इस मैराथन के नोट्स बनाना है क्या नहीं बच्चे पीडीएफ दूंगा एफ उससे पढ़ना है बस थैंक यू शिवम दीक्षित यस दीपेंदर यू कैन लीव द क्लास सर आप सुपर बो थैंक यू बच्चे और कुछ लूसेंट जिक गुड ले सकते हो दीपेंदर ऐसे थोड़ी ना होता है राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है कि जिक के पाथ फाइंडर इज गुड फॉर मैथ्स हाँ पता है मुझे एलडब्ल्यू एस पे नई वीडियो आ गई साढ़े नौ आनी थी एक वीडियो आ गई वो मेरे दुख दर्द बोलो निशांत नागर मारूंगा मैं पीडीएफ लर्न विद टेलीग्राम पे बच्चे ले लो बच्चे उदय पुनिया सही रहता है हेयर कट कर लो नहीं बच्चे अब तो बढ़ाने पीयूष बच्चे उस कॉन्टेस्ट में पार्ट, पार्टिसिपेट करो मेरी जान कोई कॉलेज बता दो विशाल ऐसे कॉलेज बताऊंगा मैं हिस्ट्री मतलब बीटेक के लिए कमाल करते तो लूसेंट इज गुड बच्चे जेएमआई मतलब समझा नहीं शंभाजी भोसले जोन मोरी से विशाल जट इतना याद कैसे करे करंट अफेयर में बच्चे बार बार पढ़ो नोट बनाने की जरूरत नहीं है नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेज की वीडियो बना दूंगा मैं और कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है बच्चे आपसे हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा रितेश तो बच्चे किसी और से पढ़ के देख लो फिर क्या बताऊंगा नवंबर में सतीश रोहन वो तो अर्पित सर बताएंगे बच्चे सही थे बच्चे चले अभी खत्म करते हैं डाउट्स आपके हो गए हैं पूरे बस डाउट्स आपके हो गए हैं पूरे अभी खत्म करते हैं कक्षा को ना नई नई वीडियोस बनानी है आज मुझे बहुत सारी बाय बाय टेक केयर जॉइ